मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। आप जानते हैं कि आखिर क्या है संजय दत्त के नाम के पीछे की कहानी, कैसे लगी उन्हें सिगरेट पीने की आदत, अपने ड्रग एडिक्शन में क्या कर डाला था संजय दत्त ने। दोस्तों, आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे कि माता पिता अपने बच्चों के नाम रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। कई महीने पहले से ही उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि भाई अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे और लड़की हुई तो ये, तो फिर ऐसे में बॉलीवुड वाले कैसे पीछे रहें। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में मात्र एक पोस्ट करने भर से हजारों लाखों नाम की लिस्ट आपके पास आ जाती है। पर उस समय जब इंटरनेट ही नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, तब मशहूर बॉलीवुड कपल सुनील दत्त और नरगिस ने अपने बेटे का नाम रखने के लिए बहुत ही खास तरीका अपनाया था। जानना चाहते हैं तो दोस्तों रुकिए, जरा बताती हूँ। उन्होंने अखबार में एक ऐड देते हुए लोगों से सुझाव मांगे और उन्हीं में से एक नाम जो नरगिस को भाग गया था वो था संजय, इसीलिए उनके बेटे का नाम संजय दत्त हुआ। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, संजय दत्त से जुड़े और भी कई किस्से हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों बता दूं, 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय दत्त ने 9 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट पी थी। सुनील और उनके दोस्त अक्सर ही उनके घर पर सिगरेट पीते थे। फिर एक दिन संजय ने वहाँ पड़ी आधी जली सिगरेट पी, जिसके बाद उन्होंने घर के बाहर भी इसे पीना शुरू कर दिया। जब सुनील को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए और उनका मानना था कि उन्हें मिले लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ चुके हैं। अब दोस्तों चूंकि सुनील उन दिनों कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने जब ये बात इंदिरा गांधी को बताई तो उन्होंने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने की सलाह दी, जिसके बाद 9 साल तक वो वहीं रहे। उनकी पहली फिल्म 1981 में आई रॉकी थी। रिलीज के पहले ही वो ड्रग्स लेने लगे और इसकी चपेट में आ गए। एक दिन वो हीरोइन लेकर सो गए। भूख लगने पर जब वो उठे तो उनके पास उनका नौकर बैठकर रो रहा था। जब संजय ने वजह पूछी तो उसने बताया था कि बाबा आप पूरे 2 दिन के बाद उठे हो। हालांकि बाद में उनका अमेरिका में 2 साल इलाज चला और वो ड्रग्स के चंगुल से निकल पाए। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सलमान खान संजय के बहुत बड़े फैन रहे हैं। यहाँ तक कि 90 के दशक में उन्होंने संजय वाला हेयर स्टाइल भी अपनाया था। फिर दोनों ने फिल्म साजन में साथ काम किया और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि वो संजय ही थे जिन्होंने सलमान को जिम जाने के लिए प्रेरित किया। मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का एक सीजन तो दोनों ने साथ में होस्ट भी किया था। अब क्या आपको पता है, जब संजय निर्देशक सुभाष घई की फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे, तब सुभाष सेट पर उनके बर्ताव से परेशान हो गए थे। खबर थी कि पहले वो अपनी अगली फिल्म हीरो में भी लेने वाले थे संजय दत्त को, पर दोस्तों उनके इस बर्ताव की वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ एक बातें थी संजय दत्त से जुड़ी। अब दोस्तों आगे की वीडियोस में हम आपको उनके बारे में और भी कई ऐसी ही हैरान कर देने वाली और कभी ना सुनी हुई बातें बताएंगे। तब तक के लिए आपका क्या कहना है उनके इस ड्रग एडिक्ट बनने पर और सेट्स पर यूं बर्ताव करने को लेकर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है ना क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग।